तो गाइस जीटी बेकेट में चलो मैं आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी पेश करने जा रहा हूं जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। चिया गाइस, ये स्टोरी आने वाली है मेरे बचपन की, कैसे मैं अपग्रेड हुआ था एक स्ट्रांग मैन में। मैं बचपन में बहुत कमजोर था, कौन कौन से लोगों ने मुझे बहुत तंग किया था और किस पावर की मदद से मैं बन चुका था वर्ल्ड का स्ट्रांगेस्ट मैन। तो चलिए देखते हैं। और आप सब लोग चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन मत भूलना, क्योंकि ये वाला वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। और आज मैं रखता हूं 10,000 प्लस लाइक का, अभी पप कर बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी तब की है जब मैं बचपन में एक घर के अंदर पैदा हुआ था। तब मैं बहुत ही वीक था, सब लोग मुझे चिढ़ाते थे। और इतना ही नहीं, मेरे पापा मम्मी जिन्होंने मुझे पैदा किया था वो लोग भी मुझे कमजोर कमजोर कहते थे। अरे ये कैसा बच्चा है, ये हमारे घर में कैसा बच्चा पैदा हुआ है, ये बहुत कमजोर है। अरे आना, ये बहुत कमजोर है बच्चे, आज से हम तुझे पालना छोड़ देते हैं। अरे पापा ऐसा मत करो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे हम नहीं करते, तो बहुत कमजोर है और तेरी हाइट भी नहीं बढ़ रही, मुझे लगता है इसको तो कुछ हुआ है, इसको भगाओ यहाँ से। ए भाग जल्दी यहाँ से। ठीक है पापा मैं जा रहा हूँ। अरे ये कौन है? बच्चे मैं हूँ इनका बॉस, इन्होंने मुझे क्या बना दिया देखो। अरे बॉस आप यहाँ पे नहीं, आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, मैं तो आपको बधाई देने के लिए आया था, लेकिन आप ये क्या बन गए? मुझे बधाई देने के लिए आए थे ऐसी बात है, मेरे इस एक्सपेरिमेंट के कागजात किसने चुराए? तूने चुराए बता जल्दी। अरे हाँ सर, मैंने बेचने के लिए चुराए थे, माफ कर दो आपका ये एक्सपेरिमेंट और ये आपकी खोज मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये सीक्रेट रखूंगा। अरे ये मम्मी पापा मेरे, इनको कुछ मत करना। अरे बच्चे इन्हें तो आज मैं मार के रहूंगा, वो भी तेरे आंखों के सामने, हट जा। नहीं ऐसा मत करो पापा, भागो। अरे अरे माफ कर दो, माफ कर दो। ये तो भाग गई, अब तेरा क्या होगा? ये ले, कहाँ पे भाग रहा है? ये ले, मेरा काम हो चुका है बच्चे, तेरे फैमिली को मैंने मार दिया, अब मैं जा रहा हूँ अपने इस एक्सपेरिमेंट को छुपाने के लिए। ये एक्सपेरिमेंट 10 सालों तक किसी को नहीं पता चलेगा, चलो। अरे ये क्या हो गया, मेरे मम्मी पापा को मार दिया, मम्मी का पे पापा को मार दिया, पापा ने चोरी नहीं की थी। पापा आप मुझे से बहुत हेट करते हो, आप मुझे बहुत बड़ा बुला कहते हो, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उठ जाओ, उठ जाओ। नहीं नहीं मैं हूँ बच्चे, क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे आप कौन हो? मैं एवेंजर्स से हूँ। ये क्या, तेरे पापा को किसने मारा? अरे वो रेड कलर का दानव है तो उसने मेरे सामने मारा। ओ ऐसी बात है, वो तो वो साइंटिस्ट है, बहुत ही संकी साइंटिस्ट है। चल मैं तुझे अपने साथ लेके चलता हूँ। और इस तरीके से उस बच्चे को हल अपने साथ लेके जाता है, वो बहुत कमजोर बच्चा था। उसे हल अपने मेंशन के ऊपर इन्हें एवेंजर्स के पास लेके जाता है, बहुत साल हो जाते हैं और वो बच्चा बड़ा हो जाता है। अरे भाई साहब यहाँ पे हुआ क्या है? अरे मुझे लगता है हल्क अंकल आ गया, हल्क अंकल, हल्क अंकल। अरे मैं क्या सुन रहा हूँ, स्कूल में मार कर रहे बच्चों से? अरे मैं क्या कर, मैं उसे लड़ नहीं पाता। तो चल आज से तेरा हल्क अंकल तुझे ट्रेन करेगा, तो बहुत कमजोर है, मैं बाकी इंसानों के जैसा नहीं तुझे फेंक दूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा, ट्रेन करूंगा, ताकतवर बनाऊंगा, तुझे दुनिया का पावरफुल फ्यूचर हल्क बनाऊंगा। ऐसी बात है, चलो मुझे भी सीखना है आपके जैसे ताकतवर बनना है। सब लोग मुझे चिढ़ाते, मेरे मम्मी पापा को भी नहीं बचा पाया, मैं इतना कमजोर हूँ। नहीं भाई डरने का नहीं, हल्क है, चलो ट्रेनिंग पे। यहाँ पे क्या करना है हल्क अंकल? यहाँ पे तुझे पुशअप्स मारने, स्टार्ट कर, मैं आज से तुझे ट्रेन करूँगा। एक दो तीन, कितने मारने अंकल? 1000 मारने तुझे, नहीं तो आज से मैं तुझे ट्रेन नहीं करूँगा और तुझे उस घर से भी निकाल दूंगा। अपने पापा ने तेरे को कैसे निकाला था वैसे निकालूंगा, याद कर। तुझे उस बंदे को मारना है जिसने तेरे पापा और मम्मी को मारा है, याद कर गुस्साला। एक दो तीन, नहीं ऐसा मैं करके रहूंगा, मेरे मम्मी पापा को मारा था इन लोगों ने, मैं उनके लिए ये करूंगा। उस टाइम मैं बहुत कमजोर था, लेकिन आज मुझे एक मौका मिला अपने आप को साबित करने का, मैं ये करके रहूंगा हल्क अंकल। और इस तरीके से वो बच्चा हल्क से ट्रेन ले लेता, ऐसे बहुत सारे साल निकल जाते, बहुत सारे महीने निकल जाते हैं, और एक दिन हमारा ये बच्चा बड़ा हो जाता है। बच्चे अब तो बड़ा हो चुका है, बॉडी छोड़ी तो बना ली, अब मैं तेरा ट्रेनिंग का एक नमूना देखना चाहता हूँ। हाँ बताओ क्या करूँ मैं हल्क? हल्क अंकल जी आप जो कहोगे वो करने वाला हूँ, क्योंकि आपने मुझे बनाया, आप ही मेरे गुरु जी हो, बताओ। तुझे बस यहाँ से लॉस एंजेलोस के शहर के ऊपर जो मेस बैंक है वहाँ तक पहुँचना है, फिर तेरा स्टेज 1 कम्प्लीट हो जाएगा। ऐसी बातें, ओके मैं पहुँचूंगा अपनी पूरी पावर के साथ वहाँ पे पहुँचूंगा। 10 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे एक बात याद है, उस
बंदे ने कहा था 10 साल के बाद वो अपना एक्सपेरिमेंट दुनिया के सामने लाएगा, वो कभी भी मेरे सामने आ सकता है, मुझे रेडी रहना पड़ेगा उसको मारने के लिए। हाँ ओके, एक काम कर, मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ, वो तेरे को ट्रेन करेगा, वो तुझे मारेगा, तुझे बस उससे बच के वहाँ पे जाना है। क्या ये क्या ट्विस्ट है? अरे भाई साहब हल्क अंकल ये क्या है? ये है नॉन वेजिटेरियन किंग कॉन्ग, ये इंसानों को भी खाता है। किंग कॉन्ग इसको ट्रेन कर। हो मैं फ्रैंकलिन बुक। नहीं 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 कैसे जो काम करता हूँ, वाली कार को पकड़ता हूँ। भाग फ्रैंकलिन भाग, भूख लग गया मुझे। अबे नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पीछे आ रहा है, मैं क्या करूँ? हाँ मेरे पास एक बहुत बड़ी आइडिया है, चलो जल्दी जल्दी यहाँ से चलते। अरे ये बहुत बड़ी आइडिया है अंकल जी, रुक जाओ मुझे आने दो। अरे अंकल जी ये कार ट्रक पे आ गया। अरे हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, एक काम करता हूँ ये वाली कार को लेता हूँ। अरे यार गलती हो गई, अरे 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 एक काम करता हूँ सामने निकल जाता हूँ। अरे ये तो पीछे ही आता जा रहा है। अरे रुक जाओ। नहीं 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 नहीं, मैंने रुकने वाला, एक काम करता हूँ चल जल्दी फ्रैंकलिन। भाई साहब ये बहुत खतरनाक है। अरे गाड़ी वाले रुक जाओ, अबे गाड़ी वाले रुक जाओ, मुझे उठा ले उठा ले, मुझे जल्दी जल्दी मैं इस बैंक के ऊपर जाना है। अरे भाई साहब ये तो पीछे आते जा रहे हैं, क्या कुरु को समझ आ रहा, मुझे अभी जल्दी जल्दी अपनी आइडिया यूज करनी पड़ेगी। ओके ये कार बहुत तेज भाग रही है, ओके ये कार को पकड़ लिया, जा जा जा। अरे भाई साहब पहुंच गया। अरे ये बहुत ही टेक्नोलॉजी यूज करता है। अरे मुझे ऐसे करके मैं इस बैंक के ऊपर जाना ही पड़ेगा, एक काम को तो यहाँ पे चलते हैं, अब मुझे पकड़ के दिखा। अरे मैं तुझे खाऊंगा, मुझे आते जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा, ये तो मेरे पीछे आ रहा है, कुछ भी करके मुझे मैं इस बैंक को टच करना ही पड़ेगा। अरे रुक। अरे 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 नहीं नहीं नहीं, चलता हूँ अब पकड़ के दिखाओ। अरे भाई साहब बहुत तेज जा रहा है, अभी काम करता हूँ वहाँ पे मारता हूँ। फाइनली पहुंच चुका हूँ, कहाँ पे चले गए अंकल? अरे मैं यहाँ पे हूँ। अबे मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ये काम करता हूँ उस पोर्ट पे चलता हूँ। अब यहाँ से वहाँ मुझे मेजबान के ऊपर चलते चल जाना पड़ेगा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वहाँ पे चलते। अरे भाई साहब गाइस मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, और किंग कॉन्ग देखो भाई वहाँ पे अटका हुआ है। रुको पे। अरे भाई साहब ये मेरे पीछे आना चाहिए, मुझे जल्दी जल्दी ऊपर चलना पड़ेगा। फाइनली मैंने टच कर दिया बेस बैंक को, ये हल्का आ रहा है। अबे हल्का अंकल अभी यहाँ पे हल्का हेलीकॉप्टर जाएगा, हेलीकॉप्टर में आ जा। ओके ओके आ रहा हूँ, नहीं आ पा रहा आप आ जाओ। ओके हल्का आ रहा है वहाँ पे, अब तेरा अगला चरण शुरू होता है, स्टेज टू। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे मैं तुझे एक जड़ी बूटी देने वाला हूँ, तुझे यहाँ से सामने वाली जगह के ऊपर जाना है। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीजें, अगर तू इन आगों में फंस गया तो तुझे मैं जला के राख कर दूंगा, तेरे पास एक ही मौका है, वो तुझे सफल करके दिखाना है। क्या तू रेडी है? यहाँ पे तेरे लिए बहुत सारी कास्ट रखी है, इसको चूज कर, और तेरे सर के ऊपर जो बाउल है उसके अंदर जड़ी बूटी है, अगर वो गिरी तो तू कभी स्ट्रांग मैन नहीं बन पाएगा दुनिया का, और तू अपने पापा और मम्मी का बदला नहीं ले पाएगा। ओके ये ग्रीन कलर की मेरी गुरु जी की कलर है, तो मैं इसी कलर को लेने वाला हूँ। ये कलर गुरु जी, मुझे लगता है तुझे ये चलाना नहीं आता। या नहीं मुझे चलाना भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं इससे भी डेंजर करने वाला हूँ, उस जड़ी बूटी को अपनी बाइक के ऊपर रख के इसको पार करने वाला हूँ। फाइनली मैंने कैसे वैसे करके पहले पड़ाव को पार कर दिया है। ओके ओके ओके, नहीं 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 नहीं, अरे भाई साहब फाइनली मैंने यहाँ पे सेकंड पड़ाव को भी पार कर दिया। जल्दी कर, टाइम नहीं है। ओके ओके, जड़ी बूटी गिरने नहीं चाहिए। फाइनल अटैक, अब मैंने फाइनल लेवल को पार भी कर दिया है। हल्क अंकल मैं आ रहा हूँ। व्हाट ये क्या हो रहा है? तुझे जड़ी बूटी ने पकड़ लिया, अब तुझे पावर देने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या कहा? मैं पावरफुल बनूंगा, मैं स्ट्रॉन्ग मैन बनूंगा, उस दुनिया का पूरी दुनिया को मैं अपने हाथों के ऊपर नचा पाऊंगा। हाँ जो चाहे वो कर पाएगा, लेकिन एक आखिरी चरण बचा है, चल मेरे साथ। हाँ चलो। अब मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा कि किसी ने सोची ना होगी, अब मैं दुनिया का स्ट्रॉन्ग बॉय बन के रहूंगा। अब यहाँ पे मेडिटेशन करने वाला हूँ मैं, और पूरी जी जान लगाने वाला हूँ। और इस तरीके से बहुत साले साल निकल जाते, दिन निकल जाते हैं, तब जाके हमारा फ्रैंकलिन बन जाता है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। ये क्या हो रहा है? नहीं हल्क अंकल, ये क्या हुआ? बच्चे तेरे पास वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पावर आ चुकी है, अब तेरे को एक सूट भी चाहिए होगा ना? हाँ मुझे चाहिए, तो ये ले सूट। ये हो क्या रहा है? ओ माय गॉड, ये क्या बन गया? ये कौन सी पावर आ गई? ओ शिट, हल्क को भूलना मत मेरे शिष्य। नहीं हल्क अंकल, आपको मैं कभी नहीं भूलूंगा, आपने मेरे अपने माता पिता समान मुझे ट्रेन किया और इतना काबिल बनाया कि मैं दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बन पाऊँ। अब मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ आ चुकी है, अब बस मुझे वो बंदा मिलना चाहिए। तुझे उस
बंदे की लोकेशन में सेंड कर रहा हूँ। देख व्हाट, वो बंदा सामने आ गया। हाँ, 10 सालों के बाद उसने एक्सपेरिमेंट को रिवील कर दिया। मुझे पता चल गया वो कौन है। वो इस लॉस सैंटोस का सबसे खतरनाक खूंखार क्रिमिनल है। जाओ उसको मार। आ रहा हूँ मैं उसको खत्म कर दे। फाइनली मुझे लगा था 10 साल के बाद तू अपने एक्सपेरिमेंट को रिवील करेगा, तब मैं 10 साल के बाद तुझे खत्म करने के लिए आ रहा हूँ दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बन के, जो कि एक टाइम पे बहुत ही लूजर था, बहुत ही कमजोर था। आ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ 10 साल की मेहनत ह्यूमन रिसर्च लैब की, ये एक खूबसूरत एक्सपेरिमेंट। ऐसी बातें मुझे भूले तो नहीं? ये क्या, कौन हो तुम और मेरी तरह पावर्स तेरे पास कैसे आ गई? मुझे पता है तूने पावर्स कैसे लिए। तूने हल्क से ट्रेन किया, तू एक हल्क का शिष्य था और तूने हल्क सर को धोखा दिया। हल्क सर ने मुझे कहा था कि उसका एक शिष्य था, उससे भी ऐसे ट्रेन किया था, लेकिन वो पूरे रास्ते पे चलने लगा और वो तू है। ये कोई सूट बीट नहीं है, इसे पावर कहते हैं, जो कि आसमानी पावर मिलती है, जो कि हमारे हल्क ने जुड़ी बूटी से कलेक्ट की थी। हल्क वंश की एक पावर है। अब मैं तुझे छोड़ देने वाला। तो आ जा। तू बोल तो रहा है मैं आ जाओ मारने के लिए, लेकिन मैं जब आऊंगा तब तूफान आने लगेगा। अरे क्या, सच्ची में तू बना रहा है? हाँ, वो तूफान तो देखने के लिए कमजोर होगा। हाँ, मुझे तूने कमजोर कहा था। ये ले। सब लोग भाग जाओ, मैं सबको छोड़ूंगा, फोड़ूंगा, मोड़ूंगा। अभी यहाँ पे मैं बहुत गुस्सा में हूँ। मेरे पापा मम्मी को तूने मारा था, आप तेरे हाथ में अपने हाथों से करने वाला। ये ले, ये का ये ले। भागने की कोशिश कर रहे? हाँ मैं भागूंगा। ये क्या, मेरे सूट की पावर चली गई। अब तेरा पूरा सूट चला जाएगा। मैं बहुत गुस्से में हूँ। अल्टीमेट पावर। और इस तरीके से वो बिग बच्चे ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया और बुराई के खिलाफ अपनी जीत हासिल की। आपको एक कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और आप सब लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग ऑसम वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर देखने मिलेगी। तो जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको पता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। तो यार इस मेहनत के ऊपर तो लाइक मार दो और 10,000+ लाइक कर देना। मिलेंगे ऐसे अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।